हमारे पास यहाँ कैमरे लगे हैं हर तरफ, हमारी फुटेज कल 4 बजे हमने रिट्रीव कराई है, जिसमें बाज़ेब्ता पेट्रोल डालते हुए 2:45 बजे आए हैं, उन्होंने पेट्रोल डाला है, 4 जगह पे पेट्रोल डाला है, वो हम इंशाल्लाह अभी जाके पुलिस स्टेशन में जमा कराएंगे। आपके माध्यम से हम LG साहब के एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि इसकी फिलफोर तो फास्ट ट्रैक एक कमेटी बनाई जाए जो इसको इसके ऊपर जाँच पड़ताल करे, ताकि जो इसके जो मुलजिमान है वो कैफत किरदार को पहुंचे और एक इबरतनाक उनको सजा मिलनी चाहिए कि कोई ऐसी हिमाकत या ऐसी जसारत ना कर सके कि वो 400 लोगों के रोजगार के साथ खेले और 2500 लोगों की जानों के साथ खेले। अगर आज तक आज हमारी इंसानियत जिंदा है किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट में, हम चाहते हैं कि कम से कम फास्ट ट्रैक में इसको देखा जाए और इन जो लोग हैं, ये जो मुलजिमान हैं, इनको पकड़ के सख्त तरीन सजा दी जाए, ताकि एक इबरतनाक लोगों को जो है मैसेज लाउड एंड क्लियर चलाया जाए जो इस टाइप की हरकत करके अपने पोजीशन को लेना चाहते हैं। लाउड एंड क्लियर है, बंदे आते हैं नकाबपोश, रस्सी लगा रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं, खासकर जो ओरिएंटल शू सेंटर है हमारा वहां पे डाल रहे हैं, उसके बाद आगे वड्डू के पास कोने में डाल रहे हैं, वहां से हमारे एक होजरी शॉप है, सॉरी इसका रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है, वहां डाल रहे हैं। हमारे नुकसान जो इन लोगों ने किए हैं, ये अगर टाइमली नहीं पता चलता, ये पूरा 12 पत्थर को जला सकता था, जिसमें कम से कम 2500 से 3000 लोग रहते हैं। सो ये खाली इसको आप दुकानों को जलाने के वाके के साथ ना देखें, ये कम से कम 2500 से 3000 लोगों की जान लेने की कोशिश की गई है। इतनी कोई लालच इंसान की ना बढ़े कि वो एक इंसानी जान को इतना सस्ता समझे, और हम भी इतने बेगैरत नहीं है कि हम इसको छोड़ देंगे, हम पूरा इसको फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह ताला अजीज जब तक गवर्नमेंट इसको जो है इसके ऊपर सख्त तरीन कार्रवाई नहीं करेगी, इनके मुलजिमान को पकड़ेगी नहीं, हम चुप करके नहीं बैठेंगे।